दर्शक ने रम्मा गोदारा की राम राम। खबर ने शुरू करने से पहला सुन लो हेडलाइन। फिल्म एक्टर इरफान खान ने ली आखिरी सांस। हरियाणा ने करे दिल्ली के लागते बॉर्डर सील। दिल्ली में 3 मीडियाकर्मी कोरोना पॉजिटिव। कांग्रेस ने शुरू करा सैनिटाइजेशन का काम। बामडोली में दिल्ली सरकार बंटवारी से खाना। ईब सुन लो पूरी खबर। जबरदस्त एक्टिंग करने वाले फिल्म एक्टर इरफान खान का बुधवार ने स्वर्गवास हो गया। 54 साल के इरफान खान ने मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली। साल 2018 में इरफान खान के कैंसर की बीमारी का बेरा लग गया था। पद्मश्री सम्मान प्राप्त इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 ने राजस्थान के टोंक जिले में होया था। करीब 30 साल के कैरियर में इरफान खान ने 50-32 फिल्मों में काम कराया। 1995 में इरफान का ब्याह सुतापद होया था। हरियाणा में कोरोना की कड़ी दिल्ली से जुड़न के बाद हरियाणा सरकार ने प्रदेश के दिल्ली से लागते बॉर्डर सील कर दिए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जिला में तक दिल्ली आन जान वाले सारे कच्चे पक्के रास्ते हरियाणा सरकार ने बंद कर दिए हैं। इन सारे रास्ते पर पुलिस का पहरा कड़ा कर दिया गया है। हरियाणा की पुलिस लोगों ने हरियाणा में तय दिल्ली में तो बढ़न दे रही है, पर दिल्ली में तय हरियाणा में नहीं बढ़न दे रही। थमने बता दे हरियाणा में कोरोना मरीजा की गिनती 300 तक ऊपर जा ली है, पर इसमें रात की बात या से अब इनमें तय 224 मरीज ठीक हो लिए हैं और उनने हॉस्पिटल में तय छुट्टी भी मिल ली है। दिल्ली में मीडिया कर्मियों की ताई एक रात की खबर से दिल्ली में 529 मीडिया कर्मियों के कोरोना टेस्ट करवाए गए थे, जिनमें से सिर्फ 3 ने कहे कोरोना पॉजिटिव मिला से। बुधवार ने इस बात की जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर दी। केजरीवाल ने तीनों मीडिया कर्मियों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना भी करी। केजरीवाल ट्विटर पर बोला, एक यह बहुत तसल्ली की बात है, अब 529 मीडिया कर्मियों में ते बस 3 के कोरोना मिला है। थमने बता दे पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार ने मीडिया कर्मियों की कोरोना जांच खातर एक अलग टेस्ट सेंटर शुरू कराया था। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी की देखरेख में बुधवार ने बिजवासन विधानसभा के बरथल गांव में कोरोना के खिलाफ सैनिटाइजेशन का काम शुरू कराया गया। देश में लॉकडाउन लगने के बाद तय कांग्रेस पार्टी बरथल गांव में कांग्रेस की रसोई चलाकर जरूरतमंद लोगों तक खाना खुवाने का काम करने लग रही है और ई पार्टी ने क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू कर दिया है। बरथल गांव में तय शुरू हुआ यो सैनिटाइजेशन का काम पूरी बिजवासन विधानसभा और पूरी दिल्ली में कराया जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ता बरथल गांव में गरीब लोगों तक खाना खुवान के साथ साथ उन तक हाथ धोने साबुन और सैनिटाइजर भी बांटन लग रहे हैं। सही कहा, ये बहुत विकट समय है। आप देख सकते हैं कि संक्रमण के खिलाफ पूरा देश लड़ रहा है और लॉकडाउन की वजह से जो गरीब लोग परेशान है, मजदूर है, जो रोजमर्रा में कमाते थे, खाते थे, उसी के तहत हमने आओ मदद का हाथ बढ़ाए कार्यक्रम शुरू किया था और कांग्रेस की रसोई, उसी के तहत मैं यहाँ पहुँचा हूँ। एक महीने से हमारे यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष साहब हैं जिनके घर पे गुदारा जी के घर पे रसोई चल रही है और लंबी लंबी लाइन देख सकते हैं आप लोग। इनको प्रतिदिन इस रसोई से अपनी नेक कमाई से ये लोग सब मिल करके परवीन राणा जी जो चुनाव लड़े, ये सब परिवार है। मैं इसी के तहत आया कि एक बार जाएं अपने इन साथियों को मैं सलाम करूं और इनको नमन करूं कि गरीबों के साथ कांग्रेस पार्टी का जो उद्देश्य रहा है जुड़ा रहने का, उस कार्यक्रम के तहत इनकी मदद हम कर पा रहे हैं। देखो जी, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है हमारे गांव में आसपास में बहुत सारे मजदूर जो हैं गरीब तबके के लोग फंसे हुए हैं यहां पे। कांग्रेस की रसोई कार्यक्रम के तहत जिस दिन से लॉकडाउन हुआ हम उस दिन से गरीबों को लगातार खाना बांट रहे हैं। 500-700 आदमी डेली हम खाना दे रहे हैं और अलग अलग दिन अलग अलग तरह का खाना बनता है हमारे यहाँ पे। और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के कहने के अनुसार
हमें सैनिटाइजेशन करने का हुक्म मिला था, तो आप देख रहे हम 5-6 मशीन मैंने मंगा ली है और अब लगातार सुबह से आज हमने बर्तल गांव से जो है कि सैनिटाइजेशन करने की शुरुआत कर दी है और डेली आज बर्तल में करेंगे, कल धुड़सस में करेंगे, बामडोली में, जो भी हमारा विश्वासनी विधानसभा का एरिया पड़ता है, अब लगातार हम खाने के साथ साथ अब सैनिटाइजेशन का काम भी करेंगे और कोरोना को हराएंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारी पार्टी जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से कांग्रेस की रसोई के नाम से गरीबों को भोजन दे रही है और उसी कड़ी में आज हमारे अध्यक्ष जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी आए थे यहाँ, हमारे साथी यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं बलवान गोदारा जी, इनके यहाँ उन्होंने विश्वासन विधानसभा में इनकी कांग्रेस की रसोई का और यहाँ से आज सैनिटेशन ड्राइव का शुरुआत की है। मैं आपकी जी इंडिया न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ ललित जी, हमारे यहाँ 2-4 तारीख से लगातार ये खाना भी चल रहा है और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी के आह्वान पर आज सैनिटाइजर का काम शुरू किया गया है। बर्थल गांव से बिजवासन विधानसभा में एक एक घर पे, एक एक गलियों में हम ये प्रोग्राम करेंगे। आज हमने सभी से साबुन स्टेनाइजर का ये दिया गया सबको और भरपूर खाना दे रहे हैं, ये लगातार चल रहा है। और कांग्रेस का सिपाही कोरोना की करेगा सफाई, ये बर्थल में कांग्रेस रसोई नाम से हम चला रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के कहने पर हम ये कांग्रेस रसोई चला रहे हैं। पिछले 20 दिन से हमारे चल रही है, बलवान जी ब्लॉक अध्यक्ष है, यहाँ बर्थल गांव में 2-2 रसोई हमारी चल रही है। तो आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए तो ये आपने देखा होगा कि दोनों अच्छी तरीके से हम एक जो घर में खाना बनता है वैसा खाना लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ प्रवासी जितने मजदूर है, गरीब है या असहाय है, सारे आके अच्छे से खाना ले रहे हैं और रोज यहाँ पे हम रसोई चला रहे हैं। और आज हमने अध्यक्ष जी जब आए तो सैनिटाइजेशन का भी उद्घाटन किया कि हम डोर टू डोर जाके वहाँ पे स्प्रे करेंगे, हमारी टीम कांग्रेस के सिपाही स्प्रे करेंगे और कोरोना को भगाएंगे। हर डोर टू डोर जाके उसकी चौखट पे हम दस्तक देंगे, हर जगह स्प्रे करेंगे और जहाँ कहीं पे शिकायत आएगी तो हमारे सिपाही वहाँ पे जाएंगे। यहाँ सैनिटाइजर का प्रोग्राम किया है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया गया है, जो उन्होंने यहाँ पर इतने दिनों से जो खान पान की व्यवस्था थी जो कंटिन्यू चल रही है राजसिंह गोदारा जी के समर्थन में, तो आज उन्होंने सैनिटाइजर का भी यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है, बांटने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिससे सभी नागरिक सुरक्षित हो सके और हम कोरोना को जड़ से उखाड़ सके। ये हमारी जो रसोई है वो रेगुलर एक महीने से चल रही है कांग्रेस रसोई के, और आज तो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी अनिल जी आए थे और उन्होंने आज जो रसोई चल रही है उसमें उन्होंने बोला है कि भाई साबुन और सैनिटाइज का प्रोग्राम भी आज से चलेगा और आज से रेगुलर टीम में लोगों को हर हफ्ते जो है कोलगेट ब्रश, कोलगेट और साबुन और मास्क तो हम परमानेंट दे ही रहे हैं और ये परमानेंट अब चलता ही रहेगा और आगे से विटामिन सी की गोलियां भी दिल्ली प्रदेश के आह्वान से जो है गरीब लोगों को दी जाएंगी। मैं जी इंडिया न्यूज़ की माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी भरतल गांव में आए थे, उन्होंने पूरे दिल्ली में जो मुहिम छेड़ी है कोरोना के खिलाफ सैनिटाइजर करने की, तो उनकी हमारे विश्वासन विधानसभा में भरतल गांव से उन्होंने आज शुरुआत की है, तो ये बहुत अच्छी मुहिम उन्होंने हमारी पार्टी ने छेड़ी है लोगों के लिए और लगातार जैसे आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी दिन से गरीबों को भोजन भी वितरित किया जा रहा है, तो मैं कांग्रेस पार्टी का और अनिल चौधरी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी मुझे मुहिम छेड़ी है, उनका हमारे सब जनता की तरफ से उनका धन्यवाद और इस मुहिम को पूरी विधानसभा में हम चलाएंगे। लॉकडाउन में खान पीने की समस्या झेल रहे गरीब मजदूरों की ताई दिल्ली सरकार की ओर से बामडोली के मिडिल स्कूल में लगातार 2 टाइम का खाना भेजा जान लाग रहा है। सरकार की ओर से आने वाले इस खाने ने बटन में स्कूल का स्टाफ और गांव के लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। खाना देने से पहला लोगों के सुथरी डाल हाथ धुआए जा है और स्कूल में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा है। गांव बामनोली में जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, जब से दिल्ली सरकार का खाना वितरण किया जा रहा है जिसमें स्कूल स्टाफ और हमारे गांव के वॉलंटियर काम कर रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं और लगभग इसमें 600 से 700 आदमियों का पर डे खाना वितरण किया जा रहा है और हमारे गाँव वाले भी सहयोग कर रहे हैं इसमें।
सिविल डिफेंस के आदमी भी हैं और आप देख रहे होंगे कि पूरे स्कूल में ना अच्छी तरह से हम काम करा रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है हमारे विद्यालय में दिल्ली सरकार की तरफ से सुबह और शाम दोनों टाइम लोगों के लिए खाना वितरण किया जाता है। खाने के वितरण के समय गांव के लोग भी हमारी मदद करते हैं, विद्यालय का स्टाफ भी, और इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को पूरी तरह फॉलो किया जाता है। प्लस जैसे ही सब लोग अंदर आते हैं अपने हाथ धोकर उसके बाद खाना लेने के लिए आते हैं, और बाहर सिविल डिफेंस के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ बताते हुए उनको समझाते हैं कि कितना ज़रूरी है इस महामारी के समय सोशल डिस्टेंसिंग। आज की खबर में बस इतना ही। जब थम भी अपने पास पड़ोस की कोई खबर जी इंडिया न्यूज तक पहुंचाना चाहो हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 9213-9283-2861 पर फोन कर सको हो या 8010-4446-66 पर व्हाट्सएप कर सको हो। देश दुनिया की तमाम खबर हरियाणवी बोली में सुनन खातर तम देखते रहो जी इंडिया न्यूज। सारे दर्शक ने रमा गोदारा की राम राम। We'll be right back.